राम राम जी सारे ने। तो आज मैं दिखाऊंगी अपने एक और नया ब्लॉग। बने रही वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले तो चैनल ने कर लियो सब्सक्राइब, ऐसे ही डेली आप नए नए ब्लॉग नई नई वीडियो देखने में मिलेंगी। चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, कदे आप रह जाओ पीछे। हमने पी ली है 2 बार चाय, तीसरी बार की तैयारी है। 8 बज गए हैं, हम ज्यादा ही पीवा। हाँ चाय मम्मी लाग रही है बनाना। तो चाय पी लो, चाय पीने लग रही है हम। मम्मी चाय बहुत बढ़िया बनाया करा, लौंग इलायची अदरक उदरक डाल के उसका खट्टा सा बनाया थे, बहुत टेस्टी लगा है। फिर वाह, चलो ही मैं आपने बाहर का दिखाऊंगी मौसम कैसा रहेगा आज का। धूंध सी है, हल्की हल्की। और रखी है मेरी मशीन, इस सूंटने नहीं बेरा कितने बिन्ने हो लिए कट्टे ने, मने उसे लिया नहीं आज तक। देख लो हल्की हल्की सी धुंध तो भी है, सुबह का टाइम ज्यादा थी। सर्दी में तो सारे पौधे भी मुरझाए मुरझाए से हो जाए हैं। देखियो सारे कैसे हो रहे हैं। सारे पौधे मुरझा रहे हैं। ये कोलिया इसका बहुत दिन का इतना ही है, इसका साइज ही नहीं बढ़ने लग गया। ये तो फिर भी ठीक है, हरा भरा सा है। ये देखो घास, या घास बहुत बढ़िया है। या बहुत बार सूख ली और बहुत बार बहुत हैवी सा हो जाए, नीचे तक बढ़ जाए इसकी पूरी लंबी लंबी सी बेल सी। बहुत सुंदर लग रहा है यार। ये देखो इसमें वो अड़ बोलिया अगर वो लग गया, गुड़हल का पौधा है। इसकी शक्ल देख लियो कैसी हो रही है, ये तो थोड़ी बहुत ग्रोथ कर रहा है। हमारी गली में तार तूरा का बहुत झंझट है, तार बहुत है। देख लो आस पड़ोस के सारे घर दिखाई दे रहे हैं। पेड़ कैसा लगा है, इसकी कटिंग करवा दी है। इव बहुत बढ़िया लग गया है। यो इव कटिंग करवाने के बाद पहले तो अजीब सा लग गया था, बहुत हैवी सा हो रहा था। यो हमारा और आस पड़ोस में सब नए पौधे रखने का शौक है। एक ये पौधा देखो, इसमें दोनों आर्टिफिशियल है, ये छोटे छोटे से इसमें किन्नू लगे आ गए हैं। ना इनका साइज बड़ा होंदा ना ये पकते, और जैसे आर्टिफिशियल हो गया उसकी। देखो सब नया कटिंग करवा रखी है, दिना में जनवरी फरवरी में, उस तो पहले दिसंबर में करवाते हैं सारे अपने पौधे की कटिंग। देखो झाड़ू निकालने स्टार्ट कर दी है मैंने, इतना अरनू सुत्या इतना काम बन जाएगा। फिर तो अरनू और बोलू सारा पीछे पीछे हंडे जावा है। सर्दी बहुत हो रही है, मैंने सोची इतना सुनते रहो ठीक है बढ़िया है, फिर तो बाहर घूमना स्टार्ट करते हैं। हमें रुकते नहीं, कपड़े हैं प्रेस के कपड़े, इनका प्रेस करनी है।
थीम निकालूंगी मैं गैलरी की झाड़ू। स्लेब स्लूप बाद में साफ करूंगी। लाइटर दो तीन दिन हो गए मार्केट में नहीं जाया जाता, उन्होंने कर दिया वो फेंक खराब। तो इतनी सी इकट्ठी हो जाए हैं, देख लो बहुत गंदगी फैल जाए हैं। डस्ट बहुत हो जाए है। अरनू के शूज भी कहीं कहीं रखे रहे हैं, पूरा घर में अरनू के और गोलू के शूज और सॉक्स। देखो इसमें मनी प्लांट है, इसका दूसरा तीसरा दिन पानी बदल दिया करा, यह ठीक है। तो ये मैं झाड़ू निकाल के उसके बाद दिखाऊंगी आपने जिस टाइम मैं पोछा कंप्लीट। देख लो अरनू और कोलू सो रहे हैं, इस कमरे का पोछा मैंने कर दिया है कंप्लीट। सोने का तरीका देख लो इनका, इसने बहुत ज़्यादा गर्मी लगा है, ये सारी रात नुए रखा है। गोलू ने मुंह ढक रखा है, लाइट कर दी मैं ऑफ। तो इस कमरे का तो मैंने कंप्लीट कर दिया था झाड़ू पोछा पहले ही। ये इनके शूज रख रखे हैं मैंने पास में ही, उठते हैं पहनेंगे ये। लाइट देखो, लाइट मैंने कर दिया ही ऑफ, अंधेरे में सोवा ये दोनों। डस्टिंग भी कर दी थी मैंने इस रूम की पहले, और झाड़ू पोछा भी कर दिया था। इसकी करती हुई मैं लाइट ऑफ। यो देखो अर्नव का पलना, ये भी इसमें अर्नव सोगा। तो नीचे भी गर्म कंबल बिछा रखा है इसमें, नीचे गुदड़ी है फिर गर्म कंबल है, उसके बाद अर्नव यो कंबल उठेगा। अरना बोलिया कर दो कंबल उड़ के सोना है मम्मा, दो कंबल उड़ के। तो पहले ये उड़ाया करूँ, बहुत बड़े बड़े हैं ये, उसके बाद फिर ये डबल हो जाए हैं फिर ये। अरनव के कंबल हैं तो मैंने ये जहाँ तय कर रखे हैं, जो अरनू का बिस्तर है वो ठंडा सा नहीं हो, गर्म सा रही जावे। अब अरनू का बिस्तर तैयार है, इस बिस्तर में सोवेगा अरनू, गर्म गर्म सा होगा बिल्कुल। यो अरनव हेलो हेलो अर्नव अर्नव ऐसे करो हेलो हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। और जुराब कहाँ गई आपकी जुराब? अर्नव जुराब कहाँ गई? अंदर अंदर, पता है तेरे को अंदर है? क्यों निकालता है उनको? मैं सोते टाइम इसने पहना के सुवाऊं और यो निकाल दे है उसी टाइम उनने। बाय कर दे बाय। तो बताइयो आज का व्लॉग कैसा लग्या कमेंट में, अगर पसंद आवा तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने की कोशिश करया करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अच्छा भाई, राम राम।